नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीडी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। हाजिर है आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। केमिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज की वीडियो लेकर आए हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? तो एक्यूरेट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मोहलर। इसके अलावा यूरिया का रासायनिक सूत्र पेपर में पूछा जाता है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र बनता है NH2CONH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र रहेगा NH2CONH2। अगर बात करें रासायनिक नाम की, तो रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। और यूरिया का प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण किया वोहलर नामक वैज्ञानिक ने। इसी के साथ पेपर में क्वेश्चन आता है कि यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो ध्यान रहे, यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना नाइट्रोजन पाया जाता है? 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की? रदरफोर्ड ने। और यूरिया का संश्लेषण किसने किया? वोहलर ने। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2, रासायनिक नाम कार्बामाइड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन सी अभिक्रिया करवाई जाती है? तो यूरिया को उत्पादित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। एक्यूरेट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि ये होता है CO2 + NH3। CO2 और NH3 की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है? यूरिया बनता है। यूरिया का संश्लेषण हमने अभी डिस्कस किया, वोहलर नामक वैज्ञानिक ने किया। अगर बात करें CO2 की खोज की, तो CO2 की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जोसेफ ब्लैक। क्या नाम है? जोसेफ ब्लैक। ध्यान रहे, वायुमंडल में लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। उसी के साथ अगर हम बात करें NH3 की, अमोनिया की, तो अमोनिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों फ्रिट्ज हैबर। बोलो क्या नाम है? फ्रिट्ज हैबर। मूत्रालयों से उत्पन्न होने वाली गंध का मुख्य कारण अमोनिया गैस है। कौन सी गैस है? अमोनिया। रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस भी कौन सी है? अमोनिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताजा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाया जाने वाला यौगिक कौन सा है? टमाटर की चटनी एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। ये कहा जा सकता है कि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? खाद्य परिरक्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा एक्यूरेट आंसर रहता है दोस्तों सोडियम बेंजोइट, यानी कि एक्यूरेट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगर सोडियम बेंजोइट के रासायनिक सूत्र की बात करें, तो रासायनिक सूत्र बनता है C6H5COONA। ये बनता है सोडियम बेंजोइट, जिसका प्रयोग खाद्य परिरक्षण के रूप में किया जाता है। अगर हम बात करें टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल की, तो टमाटर में एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम होता है ऑक्जेलिक अम्ल। बोलो क्या नाम होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन आता है, कपड़े पर लगे जंग के धब्बे को हटाने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कौन अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो कि टमाटर में पाया जाता है और पालक में पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फल जो है मीठे होते हैं, उनका स्वाद मधुर होता है किसके कारण? ऑप्शन राइबोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, ये सारे के सारे जो हैं कार्बोहाइड्रेट हैं। और फलों का मधुर स्वाद, शहद का मधुर स्वाद, अंगूर का मधुर स्वाद, ये कार्बोहाइड्रेट के एक प्रकार के कारण होता है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, मतलब शहद में, अंगूर में और फलों में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। ध्यान रहे, फ्रक्टोज जो है कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार है? मोनोसेकेराइड है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से मोनोसेकेराइड का उदाहरण कौन सा है? मोनोसेकेराइड का उदाहरण क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है। मोनोसेकेराइड का मतलब है कार्बोहाइड्रेट का केवल और केवल एक अणु है। अगर कार्बोहाइड्रेट के दो अणु है तो उसको डाइसेकेराइड कहा जाता है, अगर बहुत सारे अणु है तो उसको बोला जाता है पॉलीसेकेराइड। जैसे कि हमारे पास स्टार्च है, क्या है? स्टार्च। हमारे पास सेलुलोज है। स्टार्च और सेलुलोज ये भी कार्बोहाइड्रेट हैं, और कार्बोहाइड्रेट के कौन से प्रकार बनते हैं? पॉलीसेकेराइड बनते हैं। ध्यान रहे, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाला पदार्थ है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को शरीर का ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर का ईंधन कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक का एक प्रकार है जिसको बोलते हैं पॉलीएथिलीन। क्या बनता है? पॉलीएथिलीन। ये पॉलीएथिलीन जो है प्लास्टिक के खाने के पदार्थ जो है उनको पैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लास्टिक के दो प्रकार होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस संदर्भ में हम एक पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो लेकर आएंगे प्लास्टिक से रिलेटेड। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो है वो किसका बहुलक है? बहुलक यानी कि पॉलीमर। सबसे पहले तो आपको यही पता हो कि बहुलक जो है उसका मतलब क्या है। ध्यान रहे, एक ही प्रकार के कार्बनिक अणु जब आपस में मिलते हैं तो एक चेन बनती है, इस श्रृंखला को, इस चेन को बहुलक कहा जाता है, बहुलकीकरण कहा जाता है। तो प्राकृतिक रबड़ जो है वो किसका बहुलक है? हमारा एक्यूरेट आंसर रहेगा आइसोप्रीन का बहुलक है। उसी तरह से क्वेश्चन आता है कि पोलिथीन जो है वो किसका बहुलक है? पोलिथीन जो है वो किसका बहुलक है? तो पोलिथीन बहुलक है एथिलीन का, और रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। यदि रबड़ को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो रबड़ मजबूत हो जाता है। रबड़ को सल्फर के साथ अभिक्रिया करके उसको मजबूत बनाने की जो प्रक्रिया है उसका नाम पेपर में पूछा जाता है, उस अभिक्रिया का नाम पेपर में आता है, तो उस अभिक्रिया का नाम होता है वल्कनीकरण। क्या नाम होता है? वल्कनीकरण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेफ्लोन क्या है? ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि ये न चिपकने वाली सतह है। अगर इस बर्तन में किसी भी वसीय पदार्थ को डाल दिया जाए, घी को डाल दिया जाए, तो इस प्रकार के जो बर्तन होते हैं उसमें वसा चिपकती नहीं है। कारण है क्योंकि वो बर्तन जो है वो किससे बने हैं? टेफ्लोन से बने हैं। टेफ्लोन बोले तो पोली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है टेफ्लोन क्या है? तो टेफ्लोन एक प्रकार का फ्लूरो कार्बन है। बोलो क्या है? फ्लूरो कार्बन। और न चिपकने वाली सतह के जो बर्तन है उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? टेफ्लोन का प्रयोग किया जाता है। बाल्टी के हत्थे और स्विच की अगर बात करें तो वो बैकेलाइट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? बैकेलाइट से बने होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? नाइलोन है। सबसे पहले जो कृत्रिम रेशा बनाया गया वो कौन सा बनाया गया? नाइलोन बनाया गया। और सबसे पहला कृत्रिम पदार्थ प्रयोगशाला में बनाया गया यूरिया। कौन सा बनाया गया? यूरिया बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है का मतलब है कि कौन सा कृत्रिम बहुलक है? अभी डिस्कस किया था
नाइलोन जो है वो क्या है, एक कृत्रिम बहुलक है। तो एक्यूरेट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। बरसाती बोले तो रेनकोट किससे बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, पॉलीकार्बोनेट से बनाए जाते हैं। पॉलीकार्बोनेट से खिड़कियां भी बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, बुलेट प्रूफ खिड़की। यही है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रहे ये जो है ये हीट रेजिस्टेंस होते हैं, तो इसका भी एक्यूरेट आंसर क्या बन जाएगा, पोली कार्बोनेट बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक को, किस एक्सप्लोजिव को नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है। नोबेल तेल किसको कहा जाता है, तो हमारा एक्यूरेट आंसर रहता है टीएनजी। टीएनजी का मतलब है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, और इसका दूसरा नाम क्या है, नोबेल तेल। उसी के साथ साथ डायनेमाइट जो है वो भी एक प्रकार का एक्सप्लोजिव है, एक प्रकार का विस्फोटक है, जिसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक ने किया। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज बहुत पसंद आई होगी। देखते हैं अगली क्वेश्चन सीरीज जल्द ही। इसी के साथ साथ इस कंसेप्चुअल वीडियो का जो टॉपिक है वो भी हम पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।